वेल हेलो दोस्तों, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की रोमांटिक मूवी सत्य प्रेम की कथा जो इस साल की मच अवेटेड मूवीज में है वो फाइनली थिएटर्स में आ गई है। डायरेक्टर बाय समीर विद्वंस। कैसी है ये मूवी, चलिए जानते हैं। मैं हूं अजय, आपका स्वागत करता हूं चैनल में। विदाउट वेस्टिंग फर्दर डू लेट्स जंप टू रिव्यू। ये कहानी है सत्य प्रेम की जो एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करता है। उसकी मुलाकात एक जगराते में कथा नाम की एक लड़की से होती है जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड होता है। कुछ दिनों बाद कथा का ब्रेकअप हो जाता है उसके बॉयफ्रेंड से और जैसे तैसे सत्य प्रेम और कथा की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है उनकी लाइफ में जिस ट्विस्ट से उन दोनों की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। क्या वो उन बदलाव से लड़ पाते हैं या नहीं और क्या वो एक हैप्पीली मैरिड कपल के तौर पर सामने लाइफ जी पाते हैं या नहीं, बस यही कहानी है सत्य प्रेम कथा इस मूवी की। सत्य प्रेम की कथा ये मूवी प्योर लव स्टोरी साबित होती है। इस जॉनर की मूवीज को जस्टिफाइड भी करती है। प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है जिस वजह से ये हमें आखिर तक सीट पर बांधे रखता है। अडल्ट डायलॉग्स अडल्ट सीन्स को इसमें स्ट्रिक्टली अवॉइड किया है और दो तीन किसिंग सीन अगर हम छोड़ दें तो इस मूवी को हम पूरे फैमिली के साथ में बैठकर एंजॉय कर सकते हैं। रोमांटिक कहानी के साथ ही में एक अच्छा खासा पावरफुल सोशल मैसेज भी मेकर्स ने यहाँ पर देने की कोशिश की है जो हमारे दिल को ज़रूर छू जाता है। कार्तिक आर्यन की ये पहली रोमांटिक मूवी, उनके इमोशनल सीन हो चाहे उनके रोमांटिक सीन हो चाहे उनके कॉमिक सीन हो, बहुत ही लाजवाब है जो देखने में एंटरटेनिंग लगते हैं। कियारा आडवाणी का भी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार है। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की जोड़ी इससे पहले हमने भूल भुलैया 2 में देखी थी जो लोगों ने उसे पसंद भी किया था, लेकिन फुल फ्लेज्ड रोमांटिक लव स्टोरी में रोमांटिक अवतार में यहाँ पर ये दोनों लोग दिखाई देते हैं जो देखने में बहुत मजा आता है। डायरेक्शन ऑफ दिस मूवी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। समीर विद्वंस जी इस मूवी के डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले मराठी मूवीज को डायरेक्ट किया था। उनका डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है। उन्होंने इस रोमांटिक मूवी को सबके सामने बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। रोमांटिक मूवी होने की वजह से इस मूवी में हमें ढेर सारे गाने देखने मिलते हैं। आज के बाद ये गाना छोड़कर कोई भी गाना इतना मेलोडियस नहीं है, लेकिन बाकी जो गाने हैं उनका पिक्चराइजेशन देखने लायक है। सिनेमाटोग्राफी ऑफ दिस मूवी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, जो बड़े पर्दे पर देखना किसी ट्रीट से कम नजर नहीं है। ऑल इन ऑल सत्य प्रेम की कथा ये मूवी प्योरली एंटरटेनिंग मूवी है, प्योरली रोमांटिक मूवी है जो आपको जरूर एंटरटेन करेगी। आई गिव अ 3.5 स्टार टू दिस मूवी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।